Bismillahirrahmanirrahim. Now, when we already uh, discussed many issues related to money, its definition, its measurement, its evolution over time, and finally, we discussed theories of money demand. So now, we move on to another topic, which is money supply. This is वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज मॉनिटरी पॉलिसी इज कंसर्न मनी सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है मनी डिमांड हम लोगों से डील करता है वही काम जो हम करते हैं उसको हम इकोनॉमिस्ट ने थेरी में फार्मलाइज कर दिया सो दैट वाज इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन जो मनी सप्लाई है ये मैं और आप नहीं करते हैं. हमारा डिसीजन उसमें रोल प्ले कर सकता है लेकिन हम एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर रहे होते चूंकि वो हमारा काम नहीं है डायरेक्टली तो वो हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो उसको कंट्रोल करता है वो कैसे करता है तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मनी सप्लाई प्रोसेस क्या होता है तो उसके लिए भी अगेन मैं बेसिक से बिल्ड करूंगा अपना केस कि सबसे पहले मनी सप्लाई को डिफ़ाइन करूं। मनी सप्लाई से मुराद ये है कि अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी ऑन द डेट मैर्ड ये मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया था कि मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल इट इज नॉट मयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड रादर इट इज मैयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्लियर होगा कि ये जिस डेट को मैयर हो रहा है उस डेट पे जो अवेलेबल स्टॉक है मनी का आपकी इकॉनोमी में वो आपका मनी सप्लाई कहलाएगा और इसमें होता क्या है हम चूंकि डेफिनेशन पढ़ चुके हैं मनी की मेजरमेंट पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि ये सम ऑफ़ करेंसी होता है एंड अदर लिक्विड एसिड करेंसी एंड अदर लिक्विड एसिड और अदर लिक्विड एसिड्स में जो हम मोस्टली लेते हैं वो बैंक डिपॉजिट्स लेते हैं तो so मच so कि अगर आप सिर्फ ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स और चेकेबल डिपॉजिट्स ले लें ले, तो ये एम वन डेफिनेशन बन जाएगी करेंसी के साथ मेला सवाल ये है कि अगर मनी डिमांड हम लोगों से आम लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड हो है, तो उसको तो हमने पढ़ लिया मनी सप्लाई जो डायरेक्टली हमारा रोल नहीं है सेंट्रल बैंक का या कमर्शियल बैंक्स का रोल ज़्यादा है हमारा भी रोल उसमें कहीं ना कहीं आएगा लेकिन ज़्यादा रोल उनका है देन वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों समझने की ज़रूरत है अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें ये क्यों ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि हम मनी सप्लाई के प्रोसेस को समझें देखें पहली बात तो याद रखें आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ना भी हों एक बात क्लियर कि मनी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट कर मैंने इनफैक्ट जब आपको ये कोर्स स्टार्ट किया तो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में ये बताया कि ये सब्जेक्ट ही इससे डील करता है कि मनी के बाकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट होते हैं और बाकी इकोनॉमिक वेरिएबल हमसे रिलेटेड है और वो कौन से हैं इंप्लॉयमेंट हमसे रिलेटेड इनकम हमसे रिलेटेड है कंजम्शन हमसे रिलेटेड है रिटर्न ऑन एसिड हमसे रिलेटेड है सो मनी इफेक्ट ऑल ऑफ दीज वेरिएबल सो इसका मतलब ये होगा कि मनी इफेक्ट ऑल ऑफ अस हम सबके ऊपर मनी का कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पेक्ट होता है इस वजह से मनी को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है प्लस पॉलिसी परस्पेक्टिव में कि आपकी इकॉनोमी में मॉनिटरी पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है उसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप मनी सप्लाई के प्रोसेस को ना समझ अब मनी सप्लाई की डेफिनेशन जब हो गई तो अगला और उसकी इंपॉर्टेंस भी हो गई तो अगली बात ये आएगी कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग मनी सप्लाई यानी इस प्रोसेस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ इज मनी सप्लाई डिटामिन एक इकोनॉमी में किसी एक डेट पर जब मनी मैयर की गई तो उसमें जो उसकी वैल्यू निकली किसने डिटामिन किया कि इसकी वैल्यू इतनी होगी दूसरा क्वेश्चन कंट्रोल मनी सप्लाई मनी कम करनी है मनी ज्यादा करनी है यह किसका रोल है तीसरा पॉइंट वट काज इज मनी सप्लाई टू चेंज मनी कैसे चेंज हो जाती है एक डेट पे एक थी छह महीने बाद दोबारा मयर की चेंज हो गई क्यों क्यों चेंज हो गई और फाइनली हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई ठीक है मनी सप्लाई किसी ने कंट्रोल करनी होती है चेंज हो जाती है ये सारी बातें हो गई कैसे ये भी पता चल जाए कि मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है तो यह सवाल तो फिर भी रहेगा कि वो कैसे करता है ये सारे क्वेश्चन हम मनी सप्लाई प्रोसेस के अंदर डिस्कस करें डिफरेंट लेक्चर अब जो मनी सप्लाई की डिटर्मिनेशन में हम मनी सप्लाई की चूंकि मेजरमेंट पढ़ चुके हैं तो हमें बड़ा फेयर आइडिया है कि मनी सप्लाई की डिटर्मिनेशन में मेजर रोल किसका हो सकता है वो रोल होता है बैंक डिपॉजिट हमने एक लेक्चर में ये भी देखा कि एम वन की मेजरमेंट के बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान में जुलाई 2022 के अंदर 35 परसेंट करेंसी थी करेंसी इन सर्कुलेशन और 65 परसेंट जो है वो चेकेबल डिपॉजिट थे तो इसका मतलब है मनी के सप्लाई में सबसे बड़ा रोल बैंक डिपॉजिट का होता है तो फिर तो क्वेश्चन आएगा कि हाउ आर बैंक डिपॉजिट क्रिएटेड जब मनी की क्रिएशन की बात की जाएगी तो मनी का तो सबसे बड़ा कंपोनेंट बैंक डिपॉजिट है तो इसका मतलब है फिर तो सवाल यही आएगा कि बैंक डिपॉजिट कैसे क्रिएट हो करेंसी तो छोटा आइटम है उसके मुकाबले तो हम करेंसी का भी पॉइंट बीच में डिस्कस करेंगे लेकिन मेन हमारा फोकस होगा बैंक डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट की जो क्रिएशन है जिससे हम मुराद ले रहे हैं मनी की क्रिएशन वो मनी की क्रिएशन जब बैंक डिपॉजिट की क्रिएशन से होगी तो बैंक डिपॉजिट की क्रिएशन में तीन प्लेयर्स का रोल होता है ये किसी एक, एक इदारे या एक फर्द का काम नहीं है कि वो पूरे मुल्क की मनी सप्लाई की वैल्यू को डिटरमिन करे बल्कि इसके अंदर तीन प्लेयर्स अपना रोल प्ले करते हैं और वो कौन से हैं सेंट्रल बैंक जो कि पाकिस्तान के केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है बैंक्स आर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जैसे हबीब बैंक लिमिटेड हो गया एलाइड बैंक हो गया अलफला बैंक हो गया एम बैंक हो गया एंड सो ऑन और जो बैंक पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं और फाइनली डिपॉजिटर और इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डिपॉजिटर कौन है सेंट्रल बैंक कौन है थोड़ा सा और डिटेल में चले तो जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है विच रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम से मुराद है कि जो अदर बैंक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के अलावा जैसे कमर्शियल बैंक हैं तो उनको रेगुलेट किसने करना है सेंट्रल बैंक ने कर और सेंट्रल बैंक का बुनियादी काम क्या होता है उसके फंक्शंस में से बुनियादी फंक्शन में से क्या होता है कंडक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी हमारे इस कोर्स का एक अच्छा खासा वेट हम असाइन करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी को और उस मॉनिटरी पॉलिसी को बनाने वाला इदारा उसको कंडक्ट करने वाला इदारा सेंट्रल बैंक को पाकिस्तान के केस में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन वही वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अब इंटरमीडियरी का क्या मतलब है वो ये है कि वो डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स लेते हैं इन्वेस्टर्स को लोन देते हैं इसका मतलब है वो बीच में इंटरमीडिएशन का रोल प्ले करते हैं वो डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेंगे और जिसको लोन देना है उसको लोन देंगे और इसमें मेनली कमर्शियल बैंक आते हैं या कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं और फाइनली डिपॉजिटर्स डिपॉजिटर से मुराद क्या है जिनके बैंक में डिपॉजिट हो सकते हैं अब वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं आम लोग और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं जैसे किसी यूनिवर्सिटी का बैंक में अकाउंट हो सकता है तो ये इंस्टीट्यूशन का बैंक में अकाउंट हो गया जबकि मेरा भी बैंक में अकाउंट है तो ये एक इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट हो गया तो इसका मतलब है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों डिपॉजिटर्स में आएंगे जिनके बैंक के अंदर अकाउंट्स या डिपॉजिट्स मौजूद हैं थैंक यू